यूथ कांग्रेस बूथ जोड़ो अभियान शुरू करने जा रही है ताकि आने वाले चुनावों में कांग्रेस मजबूती से काम कर सके। वहीं फैमिली आईडी को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरने की योजना बना चुकी है। जिन लोगों के राशन कार्ड इसके चलते कटे हैं, उस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। यूथ कांग्रेस ने घंटी बजाओ सरकार जगाओ कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके जरिए लोगों को जोड़ा जाएगा। इसको लेकर यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा अम्बाला पहुंचे और युवा कांग्रेस के साथ बैठकर बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम पर गंभीरता से काम करने को कहा। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने कहा, कांग्रेस का संगठन भी जल्द बनने जा रहा है और यूथ कांग्रेस उनके साथ कंधे से कंधा मिला चलने के लिए तैयार है। हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा में हम लोग पहुंच रहे हैं और क्योंकि चुनावी माध्यम से हमारे जिले और विधानसभा स्तर की टीम गठित हो गया है, अब इस टीम को आगे बढ़ाने का काम, उसको ब्लॉक स्तर तक और गांव स्तर तक जोड़ने का काम हरियाणा युवा कांग्रेस इस कैंपेन के माध्यम से करेगी। इस कैंपेन के माध्यम से सबसे पहले हम विधानसभा की कमेटी पूरी करेंगे, ब्लॉक स्तर पर हम 22 मेंबरी कमेटी बनाई जाएगी और क्योंकि अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रहा, इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से बूथ पर खड़े होकर नौजवान आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करवाएगा, हमारे माताएं बुजुर्ग जो कई बार वोटिंग से परे रह जाते हैं, तो उन्हें घर से लेके आने का काम और वोटिंग बूथ पर मजबूती से युवा कांग्रेस के साथ ही खड़े होकर एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डलवाएंगे, उसी के लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया और जिसके लिए आज हम अम्बाला में हमारे जिला अध्यक्ष भाई प्रतीक चौधरी के नेतृत्व में आज ये मीटिंग का आयोजन है। तो आज हमारी पूरी युवा कांग्रेस अम्बाला जिले की टीम इसको लेके देखिए उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा कि पीसीसी रेलीगेट्स की पीछे लिस्ट आई थी और अभी कांग्रेस पार्टी का 24, 25 और 26 का राष्ट्रीय अधिवेशन है छत्तीसगढ़ के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि उससे पहले कांग्रेस पार्टी का संगठन, क्योंकि हमारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी नेता दोनों ने इस बात की पुष्टि करी है, बहुत जल्द हरियाणा के अंदर मजबूत संगठन तैयार होगा और हरियाणा युवा कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने को तैयार है। हरियाणा युवा कांग्रेस ने आज एक मुहिम की शुरुआत करी है। आज चंडीगढ़ में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हरियाणा के अंदर इस समय सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो फैमिली आईडी की है। सरकार इसे परिवार पहचान पत्र का नाम देती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं परिवार परेशान पत्र बन चुका है। आज लोगों का राशन कार्ड काटा जा रहा है, लोगों की बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, आयुष्मान कार्ड काटे जा रहे हैं, जिनकी रूट कॉज, जिनका कारण जो मूल रूप से वो फैमिली आईडी है, इसको लेकर आज हमने घंटी बजाओ सरकार जगाओ इस अभियान की शुरुआत करी है। हरियाणा युवा कांग्रेस हरियाणा के प्रत्येक जिले विधानसभा में जाएंगे, एडीसी ऑफिसेज में जाएंगे, डीसी ऑफिसेज में जाएंगे। जो लोग लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी फैमिली आईडी ठीक करी जाए, उनका परिवार पहचान पत्र ठीक किया जाए, गलत सर्वे करवा के सरकार ने गलत तरीके से लोगों की फैमिली आईडी काटने का काम किया है, बढ़ाने का काम किया उनकी आय, जिसकी वजह से उनके राशन कार्ड कट चुके हैं। आज गरीब आदमी राशन लेने का मोहताज है। मनोहर लाल खट्टर जी ने 31 जनवरी तक का टाइम दिया था, उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक प्रदेश में जो भी त्रुटियां फैमिली आईडी के अंदर हैं वो ठीक करी जाएंगी, लेकिन बावजूद उसके आज तक सरकार द्वारा कोई इस प्रकार का प्रावधान ना तो किया गया, ना ही जिनको राशन देना था दोगुना राशन देने की बात करी थी, ना ही वो राशन दिया गया। इसलिए आज हमने इस अभियान की शुरुआत करी है और एक व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता तक पहुंचाना चाहेंगे, 8222022442। हमने ये व्हाट्सएप नंबर पब्लिक डोमेन में जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति हरियाणा का कोई भी जनमानस जिसकी फैमिली आईडी में कोई समस्या है और वो सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है तो हरियाणा युवा कांग्रेस उसका जरिया बनेगी। इस नंबर पर अपनी फैमिली आईडी की फ़ोटो भेजिए, आपकी बात सरकारी अफसर सुने ना सुने, आपकी बात डीसी सुने ना सुने, लेकिन आपकी आवाज़ को मजबूती से मनोहर लाल खट्टर के कानों तक पहुंचाने का काम हरियाणा युवा कांग्रेस करेगी। इस सरकार ने ठेका ले रखा है लोगों को अलग अलग चीज़ों में उलझाने का, कभी ये कोई नई स्कीम ले आते हैं, कभी ये कुछ ले आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा इतनी हैरानजनक बात, आज मैं मीडिया के सामने भी बात रखी, मेरे पास कुछ ऐसी फैमिली आईडीज आई हुई हैं जिसमें एक साल के बच्चे की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक शो करी गई है। एक स्टूडेंट बेरोजगार जिसने अपना प्रोफेशन अनएम्प्लॉयड लिखवाया हुआ है, उसकी भी वार्षिक आय 80,000 रुपये दिखाई गई है। तो इस प्रकार की जो गलतियां सरकार कर रही है, सरकार ने इतना पैसा, इतनी एनर्जी, इतने रिसोर्सेज इन चीज़ों में लगा दिया जिसका फ़ायदा लोगों की जनता को होना चाहिए था, लेकिन फ़ायदे होने के बजाय आज लोग उसकी वजह से कभी डीसी ऑफिस, कभी बीडीपीओ ऑफिस, कभी राशन कार्ड दफ्तर, कभी सीएससी सेंटर्स, कभी अटल केंद्र, इनके चक्कर काट रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो हालात इस समय प्रदेश के अंदर हैं, लोगों का मन पूर्ण रूप से इस सरकार से उब चुका है। मनोहर लाल खट्टर जी को चैलेंज भी
करते हैं। अगर मनोहर लाल खट्टर जी कल चुनाव हो जाए तो इनका सुपड़ा साफ है, इनके सिंगल डिजिट में भी हरियाणा के अंदर सीटें नहीं आएंगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहें अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारा पेज फॉलो करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।